जज्बा हो तो कुछ भी संभव है। इसकी वानगी देखनी है तो आप बोकारो चले आइए, जहां एक सातवीं पास 68 साल का राजमिस्त्री पिछले 27 सालों से शिक्षा का अलख जगा रहा है। परशुराम उम्र करीब 68 साल है, राजमिस्त्री का काम करते हैं, साथ ही पिछले 27 सालों से सेक्टर 12 में गरीब और असहाय बच्चों के लिए निशुल्क स्कूल चला रहे। एक झोपड़ी नुमा स्कूल खोला है, कुछ शिक्षिकाएं भी हैं जो मुफ्त शिक्षा देती हैं। स्कूल में जो बेंच या डेस्क है वो किसी ने डोनेट किया। मिस्त्री का काम करते थे तो रोजा मेरा सबसे खट रहे थे, वो तो उसका छोटा बच्चा था, एक बच्चा उसका और तरीके से बड़ा था, तो बच्चा को लगी छुटा दिया था, खिला रहा था। ठेकेदार आया तो बच्चा रो रहा था, उसका मुझे जाकर दूध पिलाने लगा। ठेकेदार आया तो बहुत बोलने लगा जो तुम मिस्त्री तो मसाला बिना भी खड़ा है, तुम बच्चा पिला जाएंगे सर, उसको छोड़ दीजिए, थोड़ा पिला लेने दीजिए, हम अपना आपको काम कर देंगे। ठेकेदार बहुत बोलने लगा, हमको भी बोला उसको भी बोला, तब हम कहा मैंने ऐसा तो कल हमरो आने वाला बच्चा यही सही शोषण में दिएगा, ज्ञान नहीं पड़ेगा, हम लोग ठेकेदारी में ही खटते मर जाएंगे। तो वही प्रेरणा लेकर हम 15 बच्चा से शुरू किए। पहले तो मैं मतलब शादी के बाद से ही यहाँ पे जुड़ी हूँ, अपने हस्बैंड को देख देख के, उनको देख के, उनसे सीखा मतलब आया कि वो पढ़ाते थे बच्चों को, तो उनको देख के लगता था कि ठीक है हम भी उनका थोड़ा मदद करें। और फिर बाद में लेकिन ये खुद भी फीलिंग आया कि अगर आप पढ़े लिखे हो सिर्फ हम ही क्यों, बाकी सारे लोग भी, तो अपनी सोसाइटी और समाज के लिए थोड़ा सा समय तो जरूर निकालना चाहिए। स्कूल में काम करने वाली शिक्षिकाएं खुश हैं, उन्हें यहाँ शिक्षा देने के बाद सुकून मिलता है और बच्चे भी स्कूल की शिक्षा से खासे प्रसन्न हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं है, हम लोग अपना दाई माई से काम करते हैं। बच्चे को पढ़ा रहे हैं? हाँ। कहाँ पढ़ा रहे हैं? ये अपना पढ़ाते हैं परशुराम चाचा के पास। मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। कौन पढ़ाते हैं? मुझे विजय भैया और बबीता दीदी पढ़ाती है। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पर? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और हमें कॉपी किताब स्कूल ड्रेस सब यहाँ से ही मिल जाता है, हमें महीना फीस यहाँ पर नहीं लगता है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। परशुराम की उम्र अधिक है, कमाई भी ठीक नहीं है, लेकिन उनके जज्बे से आज 4000 से अधिक बच्चों ने शिक्षा ले ली है और आज उनकी मेहनत की प्रशंसा हर तरफ हो रही है। बोकारो से न्यूज 11 भारत के लिए सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।